कमान फॉलोगी तो आज बनेगा मेरे बेबी के लिए आलू का पराठा। क्या बात है, तुम्हें नहीं पता था ना? नहीं, आलू का है? पागल बना रही हो, आलू का है? कुछ भी बोल दिया। मैंने सब तैयारी पूरी करके रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा चकला, ये रहा आटा, ये रहा सूखा आटा, एंड आई एम ऑल सेट। तो शुरू करो बेबी, भूख लग रही है पता है? ये देखो 3:30 बज चुके हैं। 3:30 बज गए। तुम अपनी घड़ी में क्यों देख रही हो, मेरी में भी देख सकती हो। मैं मेरी में देखूंगी, मैं तुम्हारे में क्यों देखूं? ये लो, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आलू में पहले डलेगा आलू। आलू? हाँ, आलू होना जरूरी है ना भाई। ये डला नमक, फिर डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर डाल देंगे थोड़ा आमचूर, और थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं हम अजवाइन, ताकि पेट जरा गड़बड़ ना हो। तुम्हारा बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, जैसे तुमने मुंह बनाया। अब जो है ये पीसने वाला आलू मैशर, इससे आलू मैश कर दें। चल यहाँ से, चल हो मैश। ये तो लग रहा है मेरा सारा गुस्सा आलू पे निकल रहा है। भूख लगी हुई ना बेबी, तुम कब से नहीं आ रहे थे? मैंने सब तैयारी करके रखी है, तुमने फोन में बिजी थे। आई डोंट नो आजकल किससे तुम बातें कर रहे हो, आजकल इतनी ज्यादा किससे कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं पता आजकल किससे इतनी बातें कर रहे हो तुम। कितनी बार बोलोगी बात? एक ही बार मैंने गलत बोल दिया था ना पहले। कैसा टेप रिकॉर्डर रिवाइंड पे चला गया, पता नहीं किससे बातें कर रहे हो, बातें पता नहीं किससे कर रहे हो, इतनी बातें किससे कर रहे हो, इस वक्त पे इतनी बातें किससे कर रहे हो। ये मैशर तो बड़ा कमाल का है। अच्छा लगा? मैंने अमेज़न से मंगाया था, तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे पीठ पीछे काम किया गया। तो अमेज़न वालों से तो पर्सनल रिलेशंस हो गए होंगे तुम्हारे। उनसे ये भी पूछती हो फोन करके घर में क्या बन रहा है, क्या है? उनको भी बताया करो ना, मेरे कुत्ते ने आज कुछ खाया नहीं है, आपका कुत्ता कैसा है? कुत्ता रखा है कि नहीं घर में? नहीं रखा है तो रख लो, ये अच्छा होता है इंसानियत। बस हो गया भाई मैश। नहीं, मैं जब तक अच्छी तरह से मैश नहीं कर लूंगी, मैं मेरी बेबी को अच्छी तरह से खिलाऊंगी। अरे यार, बेबी की भूख के मारे हालत खराब है, अच्छी तरह से खिलाओगी भाई, बचेगा तब खिलाओगी ना। तो दोस्तों ये आलू मैश कर दिया है हमने, अब इसी में से इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें नमक है कि नहीं है। है, है। बड़ा खट्टा खट्टा बना है, अमचूर डाल दिया था ना, बस हो गया। इसमें कितने पराठे बन जाएंगे? इसमें तुम जितने खाना चाहो उतने बनेंगे। जितने मतलब? ये अब मैं डालूंगी इसमें दोस्तों, ये कुछ बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। अरे तुम तो कुकिंग चैनल वालों की बोलने की तरह बोलने लगी हो। थोड़ी सी लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। अरे बस करो यार, बना दो अब, मैं 4 खाऊंगा कम से कम। है? हाँ। इसके साथ क्या है? इसके साथ बटर। नहीं यार, बटर नहीं, मतलब सब्जी क्या है? आलू के पराठे के साथ बेबी सब्जी होती है क्या? आलू के पराठे के साथ बटर होता है, दही होता है और अचार होता है। तो दही खाना है तो खा लेना, वरना अचार है, ठीक है? इतना भी मत करो, तुम तो मतलब बिल्कुल ही वो करने लग गए हो मेरे को। वो क्या? वो मतलब मिर्ची गिराने लग गए हो। मिर्ची गिराने लग गए? जिस वक्त शब्द बोलती हो उसी वक्त क्यों ठोकती हो पतीला? नहीं बोलना जरा, बोलते जब मेन शब्द होता है तभी पतीला ठोक देती हो, ठोक ना। तो मैं क्या कह रही थी यार, बेबी तुम आजकल मुझे ज्यादा ही डोमिनेट कर रहे हो। नहीं, 4-5 बार बोलते। हाँ, तुम ना मेरे को ज्यादा ही आजकल वो कर रहे हो। आओ, तो ये जी हो गया है हमारा आलू का तमाशा तैयार। आओ, और तुम्हारा कुत्ता भी आ चुका है। तो हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे ये आटा, ये रहा आटा। बेबी आलू पकड़ाना जरा। ये ले लिया हमने आटे का गोला। मेरे बेबी के लिए ऐसा पराठा बनाऊंगी कि याद रखेगा मेरा बेबी। जमाल घोटा भी मिला है क्या? अरे गैस तो जलाई नहीं दोस्तों, गैस जला लेते हैं। चलो आओ, ठीक है। ये देखिए हमने शुरू कर दिया है इसको घुमाना। आलू भर दिया उसमें? भरेंगे, मुंह भी बंद रखेंगे। ये आलू हम इसमें भर देंगे दोस्तों, और इतना भरें ताकि फट ना जाए आलू भी और आप भी। हाँ, और ये देखो यहाँ से पकड़ना शुरू करो, यहाँ से, ठीक है? ये पकड़ा और इसको ये रोल कर दिया, ठीक है? अब ये रोल करते जाओ, ये देखो, देख रहे हो तरीका? अरे वाह बबलू की मौसी, तुम तो सब जानती हो। ये बन गया हमारा आलू का पकौड़ा, सॉरी आलू का पराठा। कैसा लगा बेबी? बहुत बढ़िया। मेरा टैलेंट नजर आया इसमें? हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कम टैलेंटेड दिखे हूँ मैं? जैसे तुमने आटे की लोई घुमाई है, ऐसे ही तो मुझे भी घुमाया जीवन भर। मुझे कैसे समझ में नहीं आएगा। आओ दोस्तों, मोटा मोटा पराठा बनाएंगे, मोटा मोटा पराठा। अरे मेरा फट गया। फट क्यों रहा है पराठा मेरा? सूखा आटा कम होगा। सूखा आटा नहीं, आलू ज्यादा भर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा फट फट के बाहर आता है ना, देखने मजा आता है, ढाबे का पराठा लगता है। ठीक, अब पराठा बड़ा बनाना, जितना बड़ा चकला है ना उतना बड़ा। अच्छा, यही देखो, आराम आराम से, बहुत दबा दबा के मत करना, वरना आलू निकल जाएंगे बाहर बहुत ज्यादा, ठीक है? ये तो बता दो, इसीलिए तुम्हारे निकल रहे आलू। हाँ, इसलिए मेरे भी निकल रहे आलू। कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना रहे दोस्तों।
सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है तो आपको, वरना कुछ नहीं। बस याद रख, मेरे कॉन्फिडेंस में कमी क्यों दिख रही है? अरे पीपी किट पहन के क्यों मना रही हो? ठंड लग रही थी ना मेरे को। ये तो पीपी किट है काले रंग की। चल ये जी हमारा हो गया है पहला पराठा तैयार। कैसा लग रहा है बेबी? बहुत ही बढ़िया। अब इसको फटाफट बना दो, ये मेरे पेट में जाने के लिए बेकरार है। चलिए फिर। बेबी जिस दिन तुम ज्यादा जोश दिखाती हो खाना खराब बन जाता है, ठीक है? संयम में रहो, संयम में। ठीक है बेबी, ठीक है। आज मेरी बेबी ने मेकअप किया है, थोड़ा सा आटा मुंह पे भी लगाया है। बटर लगा लेती हूं। बटर हो रहा ना उधर? तो आराम आराम से दबाते जाओ, करना कुछ नहीं है। अगर मैं बताऊंगी नहीं तो मेरा वीडियो हिट कैसे होगा? अब इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे दोस्तों। तेल को ज्यादा खुला हाथ मत करना, थोड़ा ही लगना चाहिए। मेरा लगता है खुल गया। तो बेसिकली ये आलू और प्याज दोनों के पराठे हैं ना? आलू में थोड़ा प्याज, प्याज का नहीं है पराठा, आलू यार अगर एक प्याज का भी बना दो ना। अच्छा मजा सा आ जाए। अच्छा प्याज तो पड़ी भी हुई है यहाँ पे, क्या बोलती हो? नहीं क्यों? मुझे नहीं बोलना। ये देखो दोस्तों, देखो 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 दोस्तों हमारा पराठा कैसा फूल रहा है। ये देखिए, देख रहे हो? ऐसा फूल जाना चाहिए। बेबी देखो कैसा लग रहा है, ये मैं पलट रही हूँ। बहुत ही बढ़िया।